दोस्तों इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टंट्स जिसे देखकर आपका दिमाग बिल्कुल ही हिल जाएगा। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आपने ये स्टंट तो पहले बहुत ही देखा होगा जहां पर इंसान रस्सी पे चलता है, पर रस्सी पे चलने की कुछ ऐसी स्टाइल आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। जी हम बात कर रहे हैं ओक्साना सेरोस्तान की, जो कि एक रशियन परफॉर्मर है। रशिया में रहने वाली इस औरत की उम्र 27 साल है। इस रशियन लड़की ने ये अमेजिंग स्टंट परफॉर्म करके सभी का दिल जीत लिया। इटालियन शो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के दौरान इस लड़की ने अपने एक हाथ में पंखा लिए और इस लंबे लंबे हील्स पहनकर 7.5 मीटर लंबी रस्सी को एक नहीं बल्कि दो दो बार चलकर पार किया। ओक्साना के इस एक्ट ने इतिहास रच डाला। ओक्साना ने इस रस्सी को हील्स पर चल के ये प्रूव कर डाला कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। कई लोगों को स्काई डाइविंग के नाम से ही डर लगने लगता है क्योंकि ये काम दिलेर लोगों का होता है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम लुक एकिंस के बारे में, जो कि प्रोफेशनल स्काई डाइवर है और जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लुक एकिंस ने 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदने का निर्णय लिया, पर वो भी बिना पैराशूट के। दोस्तों आपको बता दें, लुक इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जो ये स्टंट परफॉर्म करने जा रहे थे। लुक ने जब ये जंप लगाई तब उन्हें नीचे जाकर एक खास बनाए गए जाले पे गिरना था और ये जाला 10,000 स्क्वायर फीट में फैला था। दोस्तों आसमान से कूदना और ठीक वही स्पॉट पे आके गिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर लुक प्रोफेशनल स्काई डाइवर होने के कारण उन्होंने अपने बॉडी को बराबर कंट्रोल किया और वो सही दिशा में आगे बढ़ते चले गए। आखिर में जाकर वो उस जाले में गिर गए और लुक ने ये बता दिया कि वो इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये कर दिखाया। अक्सर आपने मूवीज में गाड़ी को दो पहियों पे चलते हुए देखा होगा, पर ये सब सीन्स एडिटिंग की बदौलत होती है। जी हम बात कर रहे हैं ली लॉन्ग की, जिन्होंने गाड़ी को ना सिर्फ दो पहियों पे चलाया पर जिस ट्रैक पे उन्होंने इस गाड़ी को चलाया वो इतना छोटा था कि ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जिस ट्रैक पे ये स्टंट परफॉर्म किया गया वो चौड़ाई में महज 31 इंचेस का था। ये स्टंट परफॉर्म करते वक्त ली लॉन्ग की गाड़ी इस ट्रैक से दो बार उतरने वाली भी थी और भगवान ने उनका साथ दिया जिसके कारण वो इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाए। रेडबुल अपने मार्केटिंग के लिए ऐसे खतरनाक स्टंट्स को स्पॉन्सर करता है और ऐसा ही एक खतरनाक स्टंट फेलिक्स बॉम गार्टनर के नाम से एक बंदा परफॉर्म करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये कर्तव्य था स्पेस से धरती पर जंप लगाने का और ये अंतर था 1,28,000 फीट का। और इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए फेलिक्स के लिए एक स्पेशल सूट बनाया गया था। फेलिक्स को एक छोटे से स्पेसशिप से स्पेस में पहुंचाया गया और फिर फेलिक्स ने वहां से ही कूदी लगाई। फेलिक्स 840 माइल्स पर आर की गति से नीचे गिरने लगा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। थोड़ा और समय बीतने के बाद फेलिक्स को नीचे जमीन दिखने लग गई। जमीन के करीब पहुंचने के बाद वो पैराशूट से जमीन पर लैंड कर गए और इसी तरह से फेलिक्स ने कामयाबी से स्पेस से जंप लगाई। दोस्तों आपने ओक्साना को रस्ती पे चलते हुए तो देख लिया, पर निक वैलेंडा नाम के बंदे ने इस स्टंट को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। निक वैलेंडा ने नाइजीरिया फॉल्स, ग्रैंड कैनन ऐसी जगहों पर तार पे चलकर लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली जो कोई स्टंटमैन अभी तक बना नहीं पाया। ऐसा ही एक स्टंट है जो कि बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है शिकागो टाइट रोप वॉक। दोस्तों आपको बता दें, ये वॉक जमीन से 588 फीट ऊपर दो बिल्डिंग के बीच में किया गया था। भला इतनी ऊंचाई से कोई आम इंसान भी नीचे देखेगा तो उसे चक्कर आ जाएगा। इस स्टंट की खास बात यह है कि निक ने बिना कोई सेफ्टी के इस तार पे चला था, पर कड़ी प्रैक्टिस के कारण निक के लिए ये एक मामूली बात है। निक ने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का 690 फीट अंतर टोटल 6 मिनट्स 51 सेकेंड्स में पूरा किया। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अमेजिंग स्टंट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।